मित्रों, उत्तर प्रदेश विकास और समृद्धि के जिस मार्ग को लेकर के आगे बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास के बाधक के रूप में देखा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की सभी योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ से ज्यादा इस पीड़ा को किसने झेला है? एक समय था जब आजमगढ़ के नागरिकों को, नौजवानों को पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। देश के बहुत सारे जगहों पर, होटल, धर्मशाला में उन्हें रूम देने से लोग कतराते थे, लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भौतिक विकास के और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। इसी महीने इसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और बहुत प्रतीक्षित विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित कार्रवाई अब मूर्त रूप लेने जा रही है। आज मैं, यद्यपि मैं कोरोना कालखंड के दौरान भी यहाँ पर आया हूँ, को लेकर के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन अब आजमगढ़ को एक नए विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है, आजमगढ़ के इस नए किले स्वीकृत नए राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास की कार्रवाई इसी नवंबर माह में 13 नवंबर को यहां पर संपन्न होने जा रहा है। मुझे लगता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय एक नया प्रतिमान स्थापित करेगा। आजमगढ़ के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसी दृष्टि से आज मैंने यहाँ पर प्रशासन के साथ में, संगठन के पदाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक ली है। मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ विकास की जिस एक नए मार्ग पर चला है उत्तर प्रदेश, जिस मार्ग का अनुसरण केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने किया है, और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ भी आज विकास के